तो फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमला करो। ऐसे कॉमेट छोड़ो कि शक्तिमान का नामो निशान मिट जाए। ओके सर, उसके लिए तो हमारा पहला कॉमेट ही काफी है। एक और धूमकेतु। अच्छा, तो जयकाल नहीं चाहता कि मैं लोबाना ग्रह पहुंचूं, परंतु सिर्फ यही वो रास्ता है जिससे मैं लोबाना ग्रह पहुंच सकता हूं। एक बार भी मैं अगर इस रास्ते से हट गया तो कभी भी लोबाना ग्रह नहीं पहुंच पाऊंगा। जयकाल, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सर, शक्तिमान ने शक्तिशाली कॉमेट को सिर्फ अपने घूंसे से चूर कर दिया। सर, ये कॉमेट तो पृथ्वी के सबसे बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता था। शट अप! दूसरे कॉमेट से हमला करो। यस सर। ये क्या सर, शक्तिमान की ओर तो दूसरा कॉमेट बढ़ रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जयकाल ही शक्तिमान पर कॉमेट से हमला करवा रहा हो? हो सकता है। जो शैतान साइंटिस्ट विनाशक को कंट्रोल में कर सकता है, वो इस कॉमेट को भी कंट्रोल कर सकता है। ओह नो, ये कॉमेट तो शक्तिमान की तरफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे उसकी जान ले लेगा। क्या शक्तिमान इससे बच पाएगा? शक्तिमान, ये कॉमेट कितना शक्तिशाली है, अगर हिमालय पर्वत पर गिरे तो माउंट एवरेस्ट सहित पूरे पर्वत को पृथ्वी के अंदर 1 मील तक धसा दे। अब तू बच नहीं सकता शक्तिमान, तू बच नहीं सकता। भावा जयकाल, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सर, शक्तिमान तो कॉमेट के आर पार निकल गया। शट अप। सर, हमारे पास सिर्फ 3 कॉमेट बचे हैं, लेकिन तीनों बेहद शक्तिशाली हैं। यस। इस बार 2 कॉमेट से दोनों तरफ से वार करो। ऐसा हमला करो कि दोनों कॉमेट एक साथ उससे टकराएं। जयकाल, इस बार मुझे मात देने के लिए ये चक्र भी रच रहे हो? शक्तिमान, इस दोहरी वार से बचना नामुमकिन है। सर, ये दोनों कॉमेट इतने शक्तिशाली हैं कि चंद्रमा पर गिरे तो उसका आधा भाग नष्ट कर दें। अब शक्तिमान नहीं बच पाएगा। शक्तिमान, अब तक बच रहे थे, अब बच कर दिखाओ तो जाने। मैं कहती थी ना, कोई भी कॉमेट शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। वेल डन शक्तिमान। वेल डन। वेल डन। अगर ये काम जयकाल का है तो वो जरूर तिलमिला उठाएगा। नहीं शक्तिमान, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। सर, अब हमारे पास सिर्फ आखिरी कॉमेट बचा है। सर, पर ये भेजे गए 4 कॉमेट से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। सर, इस कॉमेट की खासियत यह है कि इसमें खतरनाक गैस है। यह ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म है। यह पृथ्वी के किसी भी शहर के ऊपर से सिर्फ गुजर जाए तो पूरा शहर जलकर भस्म हो जाएगा। इसकी टक्कर पिछले 4 कॉमेट से ज्यादा शक्तिशाली है। तो तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? इस कॉमेट से शक्तिमान पर हमला करो। Thank you.
बचाओ बचाओ, इस कॉमेट से बचाओ। ये तो अग्नि धूमकेतु है, अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये पृथ्वी से जा टकराएगा, करोड़ों लोग इसकी आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। मैं भले ही जल जाऊं लेकिन मुझे इसकी आग को अपने अंदर सोखना ही होगा। कांतम प्रवक्षामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखं अष्टोत्तरं महापुण्यं साक्षात् सिद्धि प्रदायकं तव प्रेम वशेनैव कथयामि शृणुष्व तत् विना यजनयोगेन विना ज्ञानेन यत्फलम्। देखो देखो देखो, शक्तिमान इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। शक्तिमान खत्म हो गया।